नमस्कार बहुत स्वागत है आपका आप देख रहे हैं ई e विद्या चैनल नंबर नाइन और एन सी आर टी यूट्यूब ऑफिशियल और आपके साथ अगले आधे घंटे के इस सफर में मैं याशु गांधी उद्यमिन ही सिद्धंती कार्याणी न मनोरथे यानी कोई भी काम सिर्फ उद्यम करने से और सिर्फ मेहनत से पूरा होता है ना केवल सिर्फ उसका मनोरथ करने से सिर्फ सोच लेने भर से काम नहीं चलता तो इसी मोटिवेशन के साथ कार्यक्रम की करते हैं शुरुआत और हमारा आज का विषय है कक्षा नौ यानी कि क्लास नाइन्थ और साथ ही हमारा जो विषय है वो संस्कृत है और सेतु से तो ये हमारा आज का विषय है और इस विषय पर विस्तार से बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में खास मेहमान मौजूद हैं हमारे साथ एक बहुत ही अनुभवी और कुशल शिक्षक मौजूद है तो आइए आपका भी परिचय अपनी इस ऑनलाइन क्लास के शिक्षक से करा देते हैं हमारे साथ मौजूद है स्टूडियो में प्रोफेसर के सी त्रिपाठी रिटायर्ड हैं सर इसका मतलब अनुभवों की बहुत सारी पोर्टली सर के पास है सर नमस्कार बहुत स्वागत है आपका स्वागत है धन्यवाद तो फिर अब संस्कृत को कठिन मत समझिए समझिए आराम से क्योंकि सर हैं हम हैं आपकी जितनी भी समस्याएं हैं जितनी भी डिफिकल्टीज हैं इस विषय को लेकर उसको दूर करने के लिए तो बिना वक्त गवाए जल्दी से शुरुआत करते हैं सिकता सेतु इस अध्याय की सर धन्यवाद गांधी मैम प्यारे बच्चों सिकता सेतु हो सिकता बालू सेतु पुल बालू का पुल ये अजीब शब्द है बालू का पुल कैसे होगा कई बार शहरों में बालू का घर बनाते हैं गिर जाते हैं तो कहते हैं अरे तो गवर्नमेंट की योजना है बालू ही बालू ज़्यादा है सीमेंट होता नहीं तो बालू का पुल ये बालू का पुल है मतलब उसमें सीमेंट नाम मात्र भी नहीं आपको चकित कर रहा होगा ये बालू का पुल पुल कैसे बनेगा तो एक नाट्यांश है ये सोमदेव विरचित कथा सरिस सागर से कथा सरिस सागर बहुत कहानियों का सागर है ये सब पद्य में है उसी के सप्तम अध्याय पर आधारित यह नाट्यांश है इस नाट्यांश में एक व्यक्ति है जो समय पर विद्या नहीं प्राप्त करता और उसको दिक्कत होती है तो फिर वो सोचता है कि शॉर्टकट अपनाए और तपस्या से विद्या प्राप्त करने की कोशिश करता है इसी नाट्यांश में इसी कथानक का नाट्य रूपांतर है यहाँ एक तपोदत्त नाम का व्यक्ति है जो बाल्यकाल में नहीं पढ़ा तो कहता अस्मि तपोदत्ता मैं तपोदत्त हूँ बाल्य बाल्य बाल्यकाल में पितृचरण क्लेश्यमी पिता के द्वारा बहुत डांट फटकार किए जाने पर भी विद्याम नाधीतवन अस् मैंने विद्या नहीं पढ़ी प्रायः कोई भी पिता माता चाहते हैं कि उनके बच्चे शिक्षित हों और उसके लिए तमाम उपाय भी करते हैं प्यार से करते हैं नहीं तो फिर डांट फटकार भी लगाते हैं। लेकिन ये नहीं पढ़ा नहीं पढ़ा तो इसकी एक कथानक में छोटा सा हल्का सा गीत है पठनम न रोचते महियम पठनम न रोचते पठन न रोचते महियम पठन न रोचते भ्रमण हि रोचते महियम भ्रमण हि रोचते पठनम न रोचते महियम ऐसा गा गा करके इसने पढ़ाई की ही है मतलब कि पढ़ाई नहीं रोचक लगती मन नहीं लगता सिर्फ घूमने में मन अच्छा लगता है सिर्फ घूमने में मन करता है तो इसलिए अब हुआ क्या कुछ समय बाद कुछ समय तक तो बाल रूप में बच्चों की बाल लीलाएं अच्छी लगती हैं बाल लीलाएं लेकिन जब वो उससे आगे आते हैं तो फिर व्यक्ति सही या गलत का तोल करने लग जाते हैं और उसमें फिर ये तस्मात उसके पश्चात सर्वही कुटुंब भी सभी कुटुंब वाले लोगों के द्वारा क्या हुआ मित्रई मित्रों द्वारा ज्ञाती जनई और परिचितों के द्वारा गर्हितों अभावम मेरी निंदा होने लग गई सब जगह मेरा उपहास होने लग गया अभी ऊर्धम निःस्वस्थ लंबी सांस लेकर के क्या कहता है हा विधे हाय विधाता किम इदम मया कृतम किम इदम मया कृतम किम मैंने क्या इदम यह मया मैं, मैंने क्या कर डाला कीदृशी बुद्ध दुर्बुद्धि राशीत कीदृशी दुर्बुद्धिरासी मेरी कैसी दुर्बुद्धि थी एतदपि न चिंतितम ये भी मैंने नहीं सोचा ये श्लोक बहुत बढ़िया है बच्चों दो बार पढ़ोगे तो आधा अर्थ लग जाएगा ये सरल बहुत है परिधानैरलिर् भूषितोपि न शोभते परिधानैरलंकार भूषिपि न शोभते नरो निर्मणि भोगी व सभा यदि गृहे कहते हैं परिधान अच्छे कपड़े अलंकार और आभूषणों से सुसज्जित हो करके भी व्यक्ति सुशोभित नहीं होता सुंदर कपड़े पहन करके और अलंकार पहन करके आभूषण पहन करके भी व्यक्ति शोभित नहीं होता है कहां सभायाम सभा में चला जाए या घर में रहे तो कितना भी अच्छा कपड़ा क्यों ना पहन ले वो अच्छा नहीं लगता है किस तरह नरह निर्मणी भोगी वो। ये शब्द आपके लिए एकदम नया होगा मनुष्य कपड़े पहनकर आभूषण पहनकर सभा अथवा घर में बिल्कुल शोभित नहीं होता किस तरह निर्मणी भोगी यह शब्द नया है निर्मणि माने मणि रहित भोगी माने सांप मणि रहित सांप की तरह जैसे सर्प जिसके जिस सर्प के पास मणि नहीं है वो अपने सांपों के बीच भी, बीच में भी नहीं अच्छा लगता है उसी प्रकार तमाम सुंदर वस्त्र और अलंकार पहन करके भी व्यक्ति सभा में अथवा घर में सुशोभित नहीं होता तात्पर्य क्या है क्या नहीं है उसके पास विद्या नहीं है विद्या के बिना व्यक्ति चाहे जितना सुंदर कपड़ा वस्त्र पहन ले अलंकार पहन ले वो कहीं भी शोभित नहीं होता घर हो सभा हो कहीं भी हो किस तरह जैसे एक सांप जिसके मणि नहीं है वो अपने ही परिवार में सुशोभित नहीं होता ये शब्द बढ़िया है बच्चों ध्यान रखना निर्मणि भोगी व मणि रहित भोगी माने सांप ये नया शब्द मिला आपको किंचित विमिश्र फिर विचार करके की क्या हुआ भवतु अच्छा इससे क्या हुआ बड़ा बढ़िया दिमाग लगाया दिवसे मार्गभ्रांत दिन में अगर कोई रास्ता भटक जाए मार्ग भ्रांत मार्ग से भटका हुआ व्यक्ति दिन में संध्याम यावत यदि गृहम उपयती संध्याम यावत शाम तक यदि गृहम उपयती यदि घर आता है तदपि बरम लोग जानते ना दिन का भूला भटका शाम तक अगर घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते तो कितना बढ़िया फ्रेज है संस्कृत में दिवस उद्भ्रांत दिवसे मार्ग भ्रांत दिन में रास्ता भटक गए हुए व्यक्ति संध्यावत शाम तक यदि गृहम उपयति यदि घर आ जाता है तदा बरम तो ठीक है ना भ्रांतो मन्यते ये भटका हुआ नहीं माना जाए ना माने नहीं असौ भ्रांतो मन्यते ये भूला हुआ भटका हुआ नहीं माना जाता अतो अहम इदानीम तपश्चर्या विद्याम प्रवृत्त में इसलिए अतः इसलिए अहम मैं इदानम इस समय तपश्चर्य तपस्या के द्वारा विद्या प्रवृत्तोस्मी विद्या प्राप्त करने में लग गया हूं तपस्या करके विद्या पाएंगे अब पास में ही उनको जलोलन ध्वनि श्रूयते जल के उछलने और गिरने की ध्वनि सुनाई देती जल के उछलने जलोच्छलन जल के उछलन माने उछलने की ध्वनि आवाज़ सुनाई देती है अब उसका दिमाग भटका आए कुतोयम कल्लोलो छलन ध्वनि आए कुतो कहाँ से अयम माने यह कल्लोलो छलन ध्वनि कल्लोल माने जल जल के उछलने की यह आवाज़ कहाँ से आ रही है फिर मन में सोचता है महामत्स्यो बहुत बड़ा मछली हो मकरो वह हो सकता मकर हो सकता है पश्यामितावत, देखता हूँ तो मेरे समझ से इतना तो समझ में आ रहा है अब देखता क्या है पुरुषम एकम एक, एकम पुरुषम पश्यति सिकता भी सेतु निर्माण प्रयासम कुरता भी माने बालू से सेतु पुल बनाने के कार्य में लगा हुआ देख कर, कर। साहसम हा हंत हंत कष्ट है नास्ति अभावो जगति मूर्खाणाम जगति मने संसार में मूर्खाणाम ना अभावो नास्ति मूर्खों का अभाव नहीं है लोग कहते हैं हंस रहा है और पता नहीं उसको खुद पता नहीं उसने क्या गलती कर रखी लेकिन यहाँ अच्छा एक चीज है अगर गलत व्यक्ति किसी की गलती भी पहचानने लग जाए तो समझ जाओ गलत और सही का बोध उसको होने लगा नास्ति अभावो जगति मूर्खाणाम जगति संसार में मूर्खाणाम अभावो नास्ति मूर्खों का अभाव नहीं देखो तो सही तीव्र प्रवाहायाम नद्याम तीव्र प्रवाहायाम नद्याम तीव्र माने तेजी के प्रवाह वाली नदी में तेजी तेजी से बहने वाली नदी में मूढ़ो यम यह मूर्ख सिकता भी तुम निर्मा तुम थे बालुओं से पुल बनाने का प्रयास कर रहा है चित्र में देख सकते हैं आप लोग सातम अट्ठहास करता हुआ पार्शम उपेत्य उसके पास पहुंच करके आगे बढ़ा भो महाशय अरे महाशय किमिदम्बिधी ये थी। ये क्या कर रहे हैं आप अलम अलम तो श्रमेण अपना परिश्रम अलम 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 के युग में तृतीय होती है। जैसे अलम परिश्रमे न परिश्रम करना बेकार है अलम विवाद करना बेकार है अलम कोला हलना शोर करना बेकार है या मत करो अलम अलम तव श्रमेण ये जो तुम परिश्रम कर रहे हो ये बेकार है पश्चिम देखो अब बढ़िया नीति का श्लोक सुनाते हैं रामो बबंध यम से तुम शिला रामो भगवान श्री राम ने बबंध माने बांधा क्या बांधा यम से तुम जिस पुल को शिलाभि शिलाओं से कहां पर मकरालय ये भी बहुत बढ़िया शब्द है मकर माने मगरमक्ष का घर मगरमक्ष का घर क्या होगा समुद्र तो रामो बबंध यम से तुम भगवान श्री राम ने जिस पुल को मकरालय माने समुद्र में शिला भी बबंध शिलाओं से बांधा राम ने मकरालय समुद्र में यम सेतुम जिस सेतु को शिला भी बबंध शिलाओं से बांधा विदधत बालुका भी स्तम तम माने उसी पुल को बालुका भी विदधत बालुओं से करते हुए अतिरामताम यासी राम से भी आगे बढ़कर करके काम कर रहे हो बहुत शानदार प्रयोग है अतिराम ताम यासी अतिरामताम ताम यासी राम से भी बढ़कर के काम कर रहे हो आप चिंतित आवत जरा सोचो तो सिकता भी क्वचित सेतुम कर्तुम तुम युजते सिकता भी बालुओं से क्या पुल बनाना संभव है उपयुक्त है पुरुष कहता वही भो तपस्विन कथम माम अवरोधम करोष? अरे तपस्वी कथम माम अवरोधम करोशी मुझे क्यों रोकने का प्रयास कर रहे हो प्रयत्न किम न सिद्धम भवती प्रयत्न के द्वारा क्या सिद्ध नहीं होता का आवश्यकता शिलानाम शिलाओं की क्या आवश्यकता है सिकता से तुम करीष्यामी सिकता भी बालुओं से ही पुल बनाऊंगा, स्वसंकल्प दृढ़तया अपने संकल्प की दृढ़ता से मैं बालू से ही पुल बना डालूंगा तपोदत्त आश्चर्य किम सिकता से तुम करीष्यसी किम क्या सिकता भीरव बालुओं से ही तुम करिष्यसि? बनाओगे सिकता जल प्रवाहे स्थाश्यंत किम बालू सिकता मने बालू जल प्रवाहे जल के प्रवाह में स्थाशंत किम रुकेगी क्या बालू जल के प्रवाह में डालने पर क्या रुकेगा क्या भवता चिंतितम न आपने सोचा या नहीं सोचा पुरुष प्रासम चिंतितम चिंतितम सोच लिया है मैंने चिंतितम चिंतितम सम्य चिंतन सम्यक चिंतित अच्छी तरह से सोच लिया है मैंने ना हम सोपान सहायतया अधिरोढ़ विश्वसी मी न माने नहीं अहम माने मैं मैं सोपान सहायतया सीढ़ी की सहायता सोपान सीढ़ी सीढ़ी की सहायता से अधिरोढ़ माने ऊपर चढ़ने में विश्वास नहीं रखता मैं ऊपर चढ़ने में सीढ़ी की सहायता से ऊपर चढ़ना मैं विश्वास नहीं करता मैं ऊपर चढ़ने के लिए सीढ़ी का विश्वास नहीं करता समुत्लुप्तव गंतुम क्षमो से समुत्लुप्त मानी उछल कर समुप्लुप्तव उछल कर ही ऊपर जा सकता हूं अब तपोदत्त कहता है सब व्यंग्यम व्यंग्य साधु, साधु साधु बहुत सुंदर बहुत सुंदर आंजनेयम अपि अतिक्रामसी आंजनेयम भगवान श्री हनुमान जी से भी बढ़ करके हो रहे हो वो उछल करके कूद करके जाते थे आप उनसे भी बढ़ करके हो आप सीढ़ी का सहारा लोगे ही नहीं उसी से जाओगे पुरुष जो समिमरसम कोत्र है इसमें क्या संदेह किंचा बिना लिप्यक्षर ज्ञानम तपोभिरेव केवलम यदि विश्वावशेष यदि विद्यावशेष्युस्तु से तु रेषु तथा ये बहुत बड़ी बात बोल गए बिना लिपि बिना लिपि अक्षर ज्ञान और तपोभिरेव और तपस्या से ही केवल यदि विद्यावशेष्युस्ते यदि विद्या तुम्हारे वश में हो सकती है तुम विद्या पा सकते हो विद्या की सिद्धि कर सकते हो से तुरश तथा मम उसी प्रकार मेरा यह पुल भी बन जाएगा एक बार और बोलूंगा मैम इसे बिना लिपि अक्षर ज्ञान और केवल तपस्या से यदि तुम विद्या को सिद्ध कर सकते हो उसी प्रकार बालू से मैं पुल भी सिद्ध कर लूंगा तपोदत्त सवय आत्मगतम अपने मन में आए में उद्देश्य पुरुषोयम अधिक्चपति मे मुझे ही उद्देश्य करके ये पुरुष आक्षेप कर रहा है नूनम सत्यमत्र पश्यामी मैं सत्य देख रहा हूँ अक्षर ज्ञानम बिनव वैदुष्यम तुम अभिलषा अक्षरों के ज्ञान के बिना भी वैदुष्य प्राप्त करने की इच्छा कर रहा हूँ तदियं भगवत शारदाया अवमानना तो यह भगवती शारदा सरस्वती माता की अवमानना है अपमान है गुरुगृहम गत् ही विद्याभ्यासों मया करणीय गुरु के घर जाकर के ही विद्या का अभ्यास मुझे करना चाहिए पुरुषार्थैरव लक्ष्यम प्राप्यते पुरुषार्थ के द्वारा ही लक्ष्य प्राप्त किया जाता है अब स्पष्टगतः भो नरोत्तम अरे श्रेष्ठ महापुरुष ना हम जाने यत् कौस्ति भवान ना माने नहीं अहम मैं नहीं जानता यद कोस्ति भवान आप कौन हो परन्तु भवद् उन्मीलिता मैं नुगुलम आपके द्वारा मेरे दोनों आँख उन्मिलित मन खोल दी गई हैं ने विद्या मेंवाप प्रयतमाना अहम अपनी सिकताभिरेव सेतु निर्माण प्रयासम करो केवल तपस्या मात्र से विद्या पाने का प्रयत्न करने वाला मैं बालू के द्वारा पुल बनाने का ही प्रयास कर रहा हूँ तदिदानीम विद्याध्ययें गुरुकुल ग्छा इसलिए इस समय विद्याध्यन के लिए गुरुकुल जा रहा हूँ सब प्रणामम प्रणाम करके वहाँ से चला जाता है आ, बहुत अच्छे तरीके से आपने इसको पढ़ाया समझाया हालांकि अभी कुछ इसका एक्सरसाइज पार्ट रह जाता है लेकिन वक्त की कमी है लेकिन इस पूरे पाठ से बच्चों जो सीख मिलती है वो बहुत है शायद इसीलिए कहा जाता है कि संस्कृत मात्र एक विषय नहीं है अपने आप में एक पूरे संस्कार है एक सभ्यता है क्यों सर जी और जी. एक बहुत अच्छी सीख भी है कि आप कभी भी किसी से कुछ भी सीख सकते हैं आपको जो ज्ञान दे रहा है जो रास्ता दिखा रहा है वो कोई भी हो सकता है और भी बहुत सारी सीखस में समाई हुई है सर जी 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 लेकिन अभी वक्त की कमी है हमें अपनी बातों को विराम देना होगा आपका बहुत धन्यवाद सर आपने वक्त निकाला आए और हमारे बच्चों को इतने सहज तरीके से समझाया धन्यवाद मैम बहुत धन्यवाद बहुत शुक्रिया आपका और बच्चों जल्दी से हम अपना सेशन ख़त्म करने की ओर हैं एक जानकारी आपसे साझा कर लेती हूँ 2023-24 की एनसीईआरटी की जितनी भी किताबें हैं वो आप हमारे बिक्री काउंटर से खरीद सकते हैं साढ़े छः साढ़े नौ से छः बजे तक ये बिक्री काउंटर खुले रहेंगे नई दिल्ली अहमदाबाद बेंगलुरु कोलकाता और गुवाहाटी में इसके अलावा कोई भी जानकारी आपको इससे जुड़ी हुई चाहिए हो तो एन दीक्षा ई पाठशाला पे आप संपर्क कर सकते हैं एन सी इन पर भी आप लॉग इन कर सकते हैं और इसी के साथ अपना बहुत ख्याल रखिए और मुझे यानी याशु को संस्कृत की इस कक्षा से दीजिए अनुमति नमस्कार